नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है तरुण, मैं एक योगा टीचर, फिटनेस एक्सपर्ट और साथ के साथ डाइटिशियन हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके पास वीडियो लेकर के आया हूँ वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लड़के लड़कियों में, साथ के साथ थोड़ी सी एजेड लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी ब्रेस्ट फैट जो है या बॉयज का चेस्ट फैट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको शर्ट टी शर्ट वगैरह जो है वो इतनी फिट नहीं आती और थोड़ा गंदा लगता है। तो आज उसके ऊपर वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। प्लीज प्लीज एक चीज और आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके प्यार दें और क्वेश्चंस पूछिए मेरे से, ताकि मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना सकूं, क्योंकि ऐसे मेरे को भी नहीं पता कि मैं किस चीज के ऊपर वीडियो ज्यादातर आपको बताऊं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका फैट जो है वो बॉडी में किस तरीके से जाए, एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ मसल्स को हम ट्रेन नहीं करते, जिस कारणवश उस एरिया में फैट की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। या तो ये आपका हार्मोनल इश्यू हो सकता है, जैसे कि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, या फिर ये आपका जेनेटिकली होगा, यानी जीन्स जो है आपके पीछे से, माता पिता से, दादा दादी से या नाना नानी से जीन्स ऐसे आ रहे हैं जिसके कारण गर्ल्स और बॉयज दोनों के अंदर उनकी चेस्ट जो है वो हैवी हो रही है। अब हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? सबसे पहली चीज, हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। दोस्तों, आपकी डाइट के अंदर सोयाबीन, यानी कि जो बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं उनकी डाइट के अंदर सोयाबीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे एमिनोज होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर के एस्ट्रोजन लेवल को हाई करते हैं, जो कि मेल ब्रेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है जिसका, एस्ट्रोजन का। अभी हम बॉयज की बात कर रहे हैं, वो चीज आप अपनी डाइट में से कट कर दीजिए। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि मेल ब्रेस्ट हो गई है, यानी कि आपकी जो चेस्ट है उसमें से हल्का सा ब्रेस्ट की शेप लेने लग गई है या बाहर आने लग गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेलुलाइट है वो अच्छी तरीके से जम चुका है, जो कि बहुत इजीली नहीं जा सकता। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप किसी एक इंटेलिजेंट डॉक्टर से कंसल्ट करें, बात करें, वही आपको इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। होम्योपैथी के अंदर कुछ मेडिसिन है जो कि इसका मैंने देखा है जिम के अंदर, जो कि इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पा सकते हैं आप इस प्रॉब्लम से। अब बात करते हैं गर्ल्स की। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपकी ब्रेस्ट बाहर है और अच्छा नहीं लगता, ये भी मैं आपको बता दूं, जो सबसे मेन चीज है, अगर वो फैट है, आपको लगता है कि आपकी पेट भी बहुत ज्यादा भार है, आपकी थाइज भी बहुत ज्यादा हैवी है, आर्म्स भी हैवी है और चेस्ट भी हैवी है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर फैट रेशियो बहुत ज्यादा है। आप सिंपल ज्यादा कुछ मत करिए, आप रनिंग करिए, आपको साइड में नजर आ रहा होगा, वो वाली चीजें करें जिसके अंदर आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़े, ताकि आपका फैट जो है वो एनर्जी में ट्रांसफर हो और आपकी पूरी बॉडी जो है वो सुडोल हो जाए। तो मैं उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आगे कंटिन्यू मैं बाद में करूंगा। अब जो गर्ल्स हैं जिनको लगता है कि उनकी ऑल ओवर बॉडी जो है वो फैटी है और उनकी ब्रेस्ट भी फैटी लग रही है, तो वो एक तो कार्डियो करे। कार्डियो करने से क्या होगा कि उनका फैट जो है वो एनर्जी में ट्रांसफर होगा, एनर्जी में ट्रांसफर होने के बाद उनकी बॉडी जो है वो पतली होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि साथ के साथ उनकी जो स्किन है वो लटकनी शुरू हो जाएगी, उनकी आर्म्स लटकनी शुरू हो जाएगी, वो टाइट नहीं रहेंगी, उनकी जो ब्रेस्ट है वो लटकनी शुरू हो जाएगी, टाइटनेस जो है वो गायब हो जाएगी। ये भी एक तरीके की मसल्स हैं। आपने क्या ध्यान देना है, सबसे पहली चीज आपने पुशअप्स करने हैं। तो मैं एक बार आपको पुशअप्स करके दिखा देता हूँ। जो गर्ल्स ने पहले कभी पुशअप्स नहीं करे, वो अपने घुटनों को इस तरीके से रखेंगी, फोल्ड किया, हिप को आगे किया, सिंपल आपने इस तरीके से पुशअप्स कर लिए। और अगर आपको लगता कि इतनी इजीली नहीं हो पा रहा, तो आपने आगे एक बेंच रख लिया, तो आपके हाथ यहां तक हो जाएंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल पुशअप्स करें। लेकिन दोस्तों, एक बात और कि पुशअप जो है आपने 10, 15, 20, 30, 25 नहीं करने, क्योंकि हर किसी लड़की की एक बॉडी वेट होता है, मसल मास होता है, हाइट होती है, क्या पता उनको कौन से रेपिटेशन में जाकर के मसल फटीक हो, तो हो सकता है वो 20 कर ले, हो सकता है 30 कर ले, हो सकता है 40 कर ले, हो सकता है 10 कर ले। तो ये पुशअप आपने तब तक करने हैं जब तक आप नीचे गिर नहीं जाते, यानी कि ऐसे। मैं अभी आपको एक डेमो दे रहा हूं। जैसे आपने मान लीजिए 15 हो गए, 20 हो गए, अब आपसे उठते समय आप ऐसे कांप रहे हैं, ठीक है, और कांपते कांपते आप नीचे गिर गए, तो समझ लीजिए मसल फटीक हो गया है। अब क्या होगा कि आपकी बॉडी वहां की मसल्स को टाइट करना शुरू कर देगी। टाइट करेगी तो आप एक तो कार्डियो से रिड्यूस कर रहे हो, साथ के साथ जो आप पुशअप्स कर रहे हो, आप बेंच प्रेस कर रहे हो, आप डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हो, बटरफ्लाई कर रहे हो, उससे क्या होगा कि आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी जो स्किन है वो लटकेगी नहीं। अब दूसरी एक्सरसाइज, आप सिंपल लेट गए और आपने घर के अंदर 2 लीटर की पानी की बोतल ले ली या 1 लीटर की पानी की बोतल ले ली। मेरे पास डंबल्स है तो मैं डंबल से आपको करवा के दिखाऊंगा। सिंपल आपने इसके भी रैप निकालने हैं। आपके हाथ ऐसे होएगा एकदम चेस्ट के ऊपर, आपकी चिन के ऊपर नहीं होगा। देखिए मेरी चिन कहां पर है और मेरा हाथ कहां पर है, मेरा हाथ एकदम चेस्ट के ऊपर है, ठीक है, इस भाग पे। अब आपने इसके अंदर भी कम से कम, नहीं तो आपने इसके अंदर भी 30 रैप निकालने हैं कम से कम, ठीक है। मैं आपको डेमो दे देता हूं। ब्रीथ इन,
ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके हाथ यूं हो जाएंगे और जब ऐसे होने शुरू हो जाएं इतना टाइट, तो समझ लीजिए आपकी जो मसल्स हैं वो ब्रेकडाउन हो गई है, मसल फेलियर हो गया है, मसल फटीक हो गया। तो आपके वहां पर जितने भी बॉडी में एमिनोज हैं, प्रोटीन हैं, वो वहां पे मसल रिपेयर करने पहुंच जाएंगे। अब तीसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज क्या है, उसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई। आप सिंपल लेटे, आपने अपने हाथ को पूरा खोलना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। हाथ आपके माथे के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी चिन के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी चेस्ट के ऊपर होना चाहिए। देखिए चेस्ट के ऊपर एकदम, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये होगी तीसरी एक्सरसाइज। इसके भी आपने 3 सेट निकालने हैं मसल फेलियर तक। जो भी ट्रेनर ये बोलते हैं कि आपने 10 के पहले 10 रैप निकालने हैं, फिर 8 रैप निकालने हैं, फिर 6 रैप निकालने हैं, वो अलग ट्रेनिंग होती है, उसको हम हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपको अपनी मसल डेवलप करनी होती है और आप ज्यादा ज्यादा वेट उठाते हैं, लेकिन ये जो है बहुत लाइट वेट है, इसके अंदर आप मैक्सिमम रैप निकालेंगे, इसको हम एरोबिक्स के अंदर काउंट करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी लड़कियां जिनकी कमर तो पतली है, बाजू भी पतली है और लेग्स भी पतली है, लेकिन ब्रेस्ट बहुत हैवी है, लेकिन शेप में है। उनका ये कहना है कि हमें अपनी ब्रेस्ट कम करनी है, पुशअप से करेंगे, इन एक्सरसाइज से करेंगे। तो मैं उनको सच बताना चाहूंगा, ये जेनेटिकली होता है। आप अपने घर परिवार में देखिए, उनकी दादी या नानी दोनों में से किसी ना किसी की, या थोड़े से और क्लोज जाएंगे तो दोनों में से किसी ना किसी की जो है ब्रेस्ट हैवी मिलेगी, जिसके कारण आपको भी हैवी ब्रेस्ट मिल गई। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि आप सर्जरी के थ्रू इसको कम कर सकें। सर्जरी यानी कि डॉक्टर के पास जाकर के ही वो कट लगा के इसको कम कर सकता है, वैसे ये कम नहीं हो सकती है, जो कि सच बात है। अब बात करते हैं बॉयज की। वो बॉयज जिनको लगता है कि उनको मेल ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो गई है, उनको अपने निपल्स पे हाथ लगाते हुए कुछ महसूस होता है, महसूस इन द सेंस कि पेन फील होता है, निपल्स को अंदर दबाते हुए पेन फील होता है, तो इसका मतलब उनको भी मेल ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या कर सकते हैं, या तो होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर सर्जरी के थ्रू वहां पे सिस्ट होता है उसको बाहर निकलवा सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जिनको ये प्रॉब्लम थी, और जो बॉयज ऐसा लगता है कि उनकी चेस्ट लटक रही है और दबाने से पेन नहीं हो रहा, और उनका पेट भी है, उनकी आंस भी थोड़ी सी हैवी है, और बैक में भी हल्का सा फैट आ रहा है, तो इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट परसेंटेज ज्यादा है, जो कि आप रनिंग से, फंक्शनल ट्रेनिंग से, मस्कुलर ट्रेनिंग से, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग से आप उसको कम कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी चीज है, वो आपका सिंपल सी लगेगा। आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, आप एमिनोज इंटेक बढ़ाइए, एमिनोज मतलब कि अपनी जो डाइट है वो इंटेक बढ़ाएं, और आपका इजीली ये फैट जो है चला जाएगा और आपकी बॉडी टोन अप हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो फैटी ब्रेस्ट और चेस्ट के लिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और साथ के साथ मेरा फेसबुक का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के उसको ओपन करिए, मेरी रो वीडियोस देखिए कि किस तरीके से मैं जिम में वर्कआउट करता हूं, मैं फंक्शनल ट्रेनिंग करता हूं, तो उससे आपको ही मोटिवेशन मिलेगी। और अपने आसपास पशु पक्षियों का ध्यान दें, उनको दाना पानी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक थी, समाप्त।